नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण कोर्स का आज ये 26वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य का। ये अंतिम टॉपिक आज हिंदी साहित्य में जो भी प्रमुख साहित्यकार जो रह गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार और जो गद्य वाले पोर्शन में साहित्यकार के नाम दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये अंतिम लेक्चर है दोस्तों आज हिंदी व्याकरण का और उसके बाद 3-4 प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके लिए हिंदी व्याकरण के 50 नंबर के या 100 नंबर के। साथ साथ दोस्तों आपको अब तक जो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा है हिंदी व्याकरण का, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप उस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण के जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं प्रत्येक लेक्चर के विद MCQ आपको उस ईबुक में देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardariclasses.in। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यान जी के बारे में, जिनको महापंडित राहुल सांकृत्यान भी कहा जाता है। इनके अगर जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म होता है 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और इनका निधन हुआ 14 अप्रैल 1963 को। राहुल सांकृत्यान का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो केदार पांडे इनका मूल नाम था और इनको महापंडित राहुल सांकृत्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अगर आप अधिकांश रचनाएं देखोगे तो वो यात्राओं पर संबंधित है। अधिकांश रचनाएं इनकी वो यात्राओं से संबंधित है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी अपने समय, तो बहुत सारी रचनाएं इनकी यात्राओं पर आधारित है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी कहानी संग्रह की अगर बात करें तो सप्तमी के बच्चे काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी और कनेला की कथा, ये चार प्रसिद्ध कहानी संग्रह दोस्तों राहुल सांकृत्यान जी के। जीवनी की अगर बात करें तो कौन कौन सी इन्होंने जीवनियां लिखी है, तो स्टालिन, कार्ल मार्क्स ये महत्वपूर्ण है, लेनिन की इन्होंने जीवनी लिखी है लेनिन पे, माओ से तुंग इस पर इन्होंने जीवनी लिखी है, घुमक्कड़ स्वामी, घुमक्कड़, उसके बाद घुमक्कड़ जयवर्धन, ठीक है, सिंहल घुमक्कड़, सिंहल के वीर पुरुष वीर चंद सिंह गढ़वाली। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की जीवनी किसने लिखी है, तो वो भी राहुल सांकृत्यान जी ने लिखी है। महामानव बुद्ध, कप्तान लाल और सरदार पृथ्वी सिंह, तो ये कुछ प्रसिद्ध जीवनियां लिखी है राहुल सांकृत्यान जी ने। इसमें से वीर चंद सिंह गढ़वाली विशेष है, उत्तराखंड से संबंधित है, सिंहल के वीर पुरुष, बाकी सप्तमी के बच्चे कहानी हो गई काफी महत्वपूर्ण है और कार्ल मार्क्स पे इन्होंने जीवनी लिखी है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीवनियां आपको इनके बारे में नोट करनी होगी। अगर संस्मरण की बात करें तो कौन कौन से संस्मरण इन्होंने लिखे हैं, तो बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ और अतीत में वर्तमान, उसके बाद यहाँ पे नए भारत के नेता, ये भी इनका एक प्रसिद्ध संस्मरण यहाँ पे रचना है इनकी, तो कुछ प्रसिद्ध संस्मरण रचना यहाँ पे आप इनकी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इनकी यात्रा वृतांत है दोस्तों, यहाँ पे देखो इतने सारे यात्रा वृतांत है इनके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और प्रत्येक यात्रा का लगभग इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है। मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा वृत्ति, मेरी यूरोप यात्रा, तिब्बत, जापान, ईरान यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष, किन्नर देश में, रूस में 25 मास और एशिया में दुर्गम खंड, तो ये कुछ प्रसिद्ध यात्रा वृतांत हैं राहुल सांकृत्यान जी के। कुछ उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि देखो ये आपके गद्य वाले खंड में है, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो गद्य वाले पोर्शन में इनका नाम है, तो इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उपन्यास कौन कौन से हैं, जीने के लिए, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, शैतान की आंखें, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, जय योद्धे और विस्मृत यात्री, ये कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं राहुल सांकृत्यान जी के। उसके बाद अगर इनके साहित्य और इतिहास की बात करें, यानी साहित्य पे भी इन्होंने इतिहास लिखा है, उस पर भी इन्होंने रचना लिखी है, तो हिंदी काव्यधारा पर इन्होंने इतिहास लिखा है और दक्षिणी हिंदी काव्यधारा का इन्होंने इतिहास लिखा है, तो ये है इनकी साहित्य और इतिहास रचनाएं। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी कुछ, जैसे मध्य एशिया का इतिहास और दर्शन दिग्दर्शन और तुम्हारी छाया, ये भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं।
पुरस्कार की अगर बात करें तो 1958 में मध्य एशिया का इन्होंने जो इतिहास लिखा था उस रचना के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राहुल संकरत्यान जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया 1958 को, उनकी किस रचना के लिए, तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए, और 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद एक पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, महापंडित राहुल संकरत्यान पुरस्कार इनके नाम से। तो महापंडित राहुल संकरत्यान पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1993 से, यानी 1993 में पहला महापंडित राहुल संकरत्यान पुरस्कार दिया गया और ये इनके शताब्दी जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। क्योंकि इनका अगर आप जन्म दिवस देखोगे, देखो यहाँ पे 1893 है, तो इसके शताब्दी जन्म दिवस था इनका 1993, यानी 100 साल बाद। तो इनके जन्म दिवस पर महापंडित राहुल संकरत्यान पुरस्कार की शुरुआत की गई। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। हिंदी साहित्य में बहुमूल्य योगदान जो रचनाकार या जो साहित्यकार करता है उसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष लगभग ये 2 लोगों को दिया जाता है। हिंदी साहित्य में बहुमूल्य योगदान देने के लिए महापंडित राहुल संकरत्यान पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1993 से की गई थी। तो ये थी यहाँ पे राहुल संकरत्यान जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। नेक्स्ट नाम है दोस्तों यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म होता है 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, और इनका निधन हुआ 19 मई 1979 को। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध दोस्तों क्या थे, हिंदी निबंधकार भी थे, आलोचक और उपन्यासकार ये रह चुके हैं। तो इनकी अधिकांशतः रचनाएं आलोचनात्मक रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं, तो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये काफी प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये रचना किसकी है, तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार और साहित्य का मर्म, तो ये 8 प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचनाएं हैं किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब देखो प्रश्न, मैं पिछली वीडियो में भी लगातार आपको बता चुका हूं कि प्रश्न कई बार किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस विधा की रचना है, तो यह है आलोचनात्मक रचना। अब जैसे अशोक के फूल, ये किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है, तो ये एक निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर की बढ़ोर आलोक पर, सीरीज के फूल। सीरीज के फूल ये आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी, काफी एक मतलब अच्छा ये निबंध संग्रह था, एक आपने जरूर पढ़ी होगी सीरीज के फूल। अब देखो इतनी सारी रचनाएं आप याद कैसे करोगे, तो जितनी ज्यादा दोस्तों आप रिविजन करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू बनाइए स्वयं, या बहुत सारे बुक्स में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो इसका डिटेल्स वाला फीड है उसको आप, उसमें आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं इस वाले टॉपिक के, तो उसको आप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से उस ईबुक को जरूर डाउनलोड करें। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप फोकस कर पाओगे इसको याद करने में। और वैसे भी जो महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं हैं उसके मैंने एमसीक्यू बनाए हुए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उपन्यास की अगर बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अनामदास का पौधा, ये इनके उपन्यास हैं। देखो जो भी यहाँ पे गद्य वाले पोर्शन में जो भी साहित्यकारों के नाम आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो उपन्यास से पूछे जाते हैं, और उसके बाद बनते हैं संस्मरण रेखा चित्र से। तो उपन्यास आपको सभी के लगभग सारे के सारे आपको नोट करने हैं। पुरस्कारों की अगर बात करें तो कौन कौन से पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो 1957 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, उसके बाद 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया आलोक पर्व के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, 1973 को, और उनकी किस रचना के लिए, तो आलोक पर्व, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिटरेचर की इनको उपाधि दी जा चुकी है।
तो ये थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे प्रेमचंद, हाल ही में इनका जन्मदिन भी था 31 जुलाई को, ठीक है। तो 31 जुलाई हाल ही में, तो क्या आज कितना है, आज यहाँ पे 2 अगस्त हो गया है, तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी के लमही गांव में और इनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 को। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके उपन्यास, तो सारे के सारे उपन्यास आपको नोट करने हैं। कौन कौन से उपन्यास है इनके, तो गोदान, गबन। जो ये गोदान है दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का। उसके बाद गबन हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन काफी महत्वपूर्ण है और प्रतिज्ञा, ये इनके कुछ क्या है प्रसिद्ध उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के। तो ये सारे के सारे आपको नोट करने हैं क्योंकि उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है प्रेमचंद जी के, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी महत्वपूर्ण कहानी है, पोष की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी दोस्तों, नमक का दरोगा, और दो बैलों की कथा 9th-10th में, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे मतलब ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी। ये जो दो बैलों की कथा है ये मैंने स्वयं दोस्तों कई बार पढ़ी हुई है, तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दो बैलों की कथा। तो कहानी है दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ये कहानियां, ये रचनाएं किसकी है, तो ये है प्रेमचंद जी की। ईदगाह, कजाकी, सप्त सरोज, मान सरोवर, ऐश्वर्य न्याय, बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और समर यात्रा। तो ये कुछ प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है कहानी और कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी के। यहाँ पे ईदगाह जो ये कहानी है इसमें वो ये ईदगाह वाली आपने स्टोरी जरूर पढ़ी होगी, ये भी सिलेबस में थी आपके। इसमें एक छोटा सा बच्चा होता है हामिद जो कि मेले से एक चिमटा ले आता है, तो जरूर आपने वो कहानी दोस्तों पढ़ी होगी क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ के ही आप सभी लोग बड़े हुए होंगे क्योंकि 9th-10th से लगभग इनकी कहानियां शुरू हो जाती हैं और फिर जब तक आपके सिलेबस में हिंदी रहती है तब तक इनकी कहानियां आप पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सारी कहानियां इनमें से ऐसी हैं जो आपने जरूर पढ़ी होगी। उसके बाद अगर नाटक की बात करें तो करबला हो गया, संग्राम और प्रेम की वेदी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। 31 जुलाई 1980 को भारत सरकार ने प्रेमचंद के सम्मान में, प्रेमचंद जी के सम्मान में 30 पैसे का टिकट भी जारी किया था और इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक इनकी जीवनी लिखी थी। तो प्रेमचंद घर में ये जीवनी किसने लिखी थी, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने, जबकि इनके बेटे अमृत राय ने भी इनकी एक जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही ये जीवनी किसकी है, ये प्रेमचंद जी की है जो कि उनके बेटे अमृत राय ने लिखी है। तो ये कुछ अन्य फैक्ट थे प्रेमचंद जी के बारे में जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है, तो ये सारे के सारे आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा की रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनका जन्म होता है 26 मार्च 1907 को फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में और 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो जाता है। सीधे आते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। अब देखो इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण रेखा चित्र लिखे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इनका भक्तिन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एक बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बना था कि भक्तिन किस विधा की रचना है, तो जो भक्तिन है दोस्तों वो है आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। और भक्तिन का जो नाम होता है वो होता है उसमें लक्ष्मी, आपने वो स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। तो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होते हैं आगे जब ये आएगा, अभी नीचे देख लेते हैं, पहले काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। तो काव्य संग्रह की अगर बात करें तो नीरजा सबसे महत्वपूर्ण इनका क्या है काव्य संग्रह जो एग्जाम में पूछा जाता है। दीपशिखा, अग्निरेखा, रश्मि, प्रथम आयाम, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन जो कुछ विशेष है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट वहां पे लिख के दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है और ये सारे के सारे हो सके तो आपको नोट करने हैं क्योंकि 2 या 3 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है जितने भी, क्योंकि 3 लेक्चर मैंने आपको करा दिए हैं हिंदी साहित्य के। दीप गीत, संध्या गीत, परिक्रमा,
आत्मिक और यामा इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियां, चिंतन के क्षण, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, संधिनी, साहित्यकार की आस्था तथा, ये कुछ इनके क्या है, प्रसिद्ध निबंध है। अब बात करते हैं रेखा चित्र और संस्मरण। देखो रेखा चित्र क्या होता है, ये एक गद्य होता है, ठीक है, गद्य विधा की रचना होती है और इसमें क्या होता है कि वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। किसी का रेखा चित्र खींचना आपने सुना भी होगा, किसी का रेखा चित्र अपने शब्दों में खींचना, तो ये वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। किसी भूत काल की घटना पर या किसी भविष्य में होने वाली घटना पर ये आधारित हो सकता है, उसे कहते हैं रेखा चित्र। जैसे देखो रेखा चित्र यहाँ पे अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का काफी महत्वपूर्ण है, और स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं भी इनका ये क्या है, रेखा चित्र है। उसके बाद भक्तिन, अब देखो भक्तिन मैंने ये कोष्टक में क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है इसी में संकलित की गई है भक्तिन। तो कई बार भक्तिन को अलग से पूछा जाता है कि भक्तिन किस प्रकार का किस विधा की रचना है, तो यह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, क्योंकि भक्तिन रेखा चित्र के अंतर्गत संकलित किया गया है, क्योंकि ये एक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का, उसमें संकलित किया गया है भक्तिन को, यानी एक रेखा चित्र है। लेकिन जो भक्तिन है दोस्तों वो एक वास्तविक घटना पर आधारित है, तो रेखा चित्र तो ये था, और वास्तविक घटनाओं पर आधारित क्या होता है, उसे कहते हैं संस्मरण। तो इसलिए भक्तिन क्या हो गया यहाँ पे, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक रेखा चित्र खींचा गया है, और जो कि भक्तिन जो यहाँ पे क्या है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा गया है, क्योंकि भक्तिन एक वास्तविक घटना पर आधारित रचना है, तो वास्तविक घटना पर है तो इसलिए संस्मरणात्मक रचना हो गई, और ये एक रेखा चित्र खींचा गया है इसलिए इसको स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्र है उसमें संकलित किया गया है। अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि भक्तिन जो रचना है वो किसमें संकलित किया गया है, तो स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का उसमें संकलित किया गया है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, तो ये एक वास्तविक घटना पर आधारित रचनाएं होती हैं, और ये अतीत में हुई कोई घटना होती है विशेष तौर पर, जिसे याद करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे भक्तिन में भी यही हो रहा है, भक्तिन जो उनके जीवन में आती है जिसका रियल नाम क्या होता है, लक्ष्मी था, तो फिर वो उनके बारे में याद करके रचना लिख रही है, तो ये क्या हो गई, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हो गया। संस्मरण की अगर बात करें कौन कौन से इनके संस्मरण है, तो पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण, ये क्या है इनके संस्मरण है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपको नोट करने हैं। बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की। 1934 में नीरजा जो इनकी रचना है, नीरजा किस विधा की रचना है, काव्य संग्रह इनका, तो उसके लिए इनको शेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1956 यानी 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद 1982 में यामा इनका काव्य संग्रह है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो एग्जाम में क्या बनेगा क्वेश्चन, कि जो महादेवी वर्मा है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, 1982, किस रचना के लिए, तो यामा रचना के लिए, और यामा किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको मरणोपरांत, क्योंकि 1987 में इनका निधन हो गया था, उसके बाद एक साल बाद 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था, तो निराला ने इन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, तो ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे महादेवी वर्मा जी के बारे में जो आपको नोट करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। हरिशंकर परसाई एक लेखक और एक व्यंग्यकार थे। इनका जन्म होता है 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और निधन होता है 10 अगस्त 1995 को।
बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो पहले इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो जैसे उनके दिन फिरे एक कहानी संग्रह है या कहानी है, एक फरिश्ते की कथा ये भी इनकी क्या है कहानी है, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव। तो ये कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं हरिशंकर परसाई जी के। उपन्यास हमेशा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्वाला और जल उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है, तट की खोज महत्वपूर्ण है, और रानी नागफनी की कहानी, ये इनके तीन प्रसिद्ध उपन्यास हैं हरिशंकर परसाई जी के। संस्मरण की अगर बात करें, संस्मरण में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो संस्मरण इनका है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं संस्मरण किसका है, हरिशंकर परसाई जी का। निबंध की बात करें, निठल्ले की डायरी, भूत के पांव, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके क्या है प्रसिद्ध निबंध है। कुछ अन्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपने जरूर पढ़े होंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, ये रचना आपने जरूर पढ़ी होगी जब आप स्कूली एजुकेशन में रहे होंगे, स्कूली शिक्षा में रहे होंगे, 9th या 10th में है ये। प्रेमचंद के फटे जूते मेरे को क्लियरली याद नहीं है कि कौन सी क्लास में है, लेकिन प्रेमचंद के फटे जूते आपने जरूर रचना पढ़ी होगी। तो ये रचना किसकी है, तो ये रचना है हरिशंकर परसाई जी की। कई अभ्यर्थी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कई सोचते हैं कि ये प्रेमचंद जी की स्वयं की रचना है, लेकिन नहीं, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है, तो वो है हरिशंकर परसाई जी की। उसके बाद तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं जो आपको जरूर नोट करनी है, इसमें ये काफी महत्वपूर्ण है। पुरस्कारों की अगर बात करें, तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो इनकी रचना है, निबंध रचना है, इसके लिए इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से हरिशंकर परसाई जी को 1982 में उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी जी की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। मनोहर श्याम जोशी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं पहले। इनका जन्म होता है 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में, और इनका निधन होता है 30 मार्च 2006 को। वैसे मनोहर श्याम जोशी ये मूल रूप से कुमाऊं के थे। अब देखो इनके उपन्यास की अगर बात करें, तो कुछ कुरु स्वाहा बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, कुछ कुरु स्वाहा, और ये मुंबई पृष्ठभूमि पर आधारित इनका पहला उपन्यास था कुछ कुरु स्वाहा। उसके बाद दूसरा है कसब, ये एक कुमाऊनी प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है कसब, कुमाऊं प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कसब किसका है, तो मनोहर श्याम जोशी जी का। उसके बाद हरिया, हरकुलिस की हैरानी, हमजाद प्रसिद्ध है, टाटा प्रोफेसर, और उसके बाद क्याप, ये भी काफी प्रसिद्ध दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्याप के लिए इनको 2005 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में इनको मिला था, उनकी किस रचना के लिए, किस उपन्यास के लिए, तो क्याप के लिए, और कौन हूं मैं, तो ये 7 प्रसिद्ध उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी के। इसमें कुछ कुरु स्वाहा हो गया, कसब हो गया, हमजाद और क्याप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूरदर्शन धारावाहिक की बात कर लेते हैं, तो हम लोग, ये एक दूरदर्शन धारावाहिक था हम लोग, ये मैंने आपको उसमें भी बताया, जनसंचार वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो हम लोग ये किसका है, दूरदर्शन धारावाहिक, मतलब दूरदर्शन पर यह धारावाहिक दिखाया गया था। तो ये जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा। उसके बाद कक्का जी कहिन, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और गाथा, ये इनके दूरदर्शन धारावाहिक हैं। फिल्मों की बात करें, तो कुछ फिल्मों में इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो हे राम, पापा कहते हैं और अप्पू राजा। कहानी ये महत्वपूर्ण है, सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी है, तो मनोहर श्याम जोशी जी की है सिल्वर वेडिंग कहानी। अब प्रश्न यहां से इस प्रकार से बनता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन थे, तो वो थे यशोधर बाबू। ये कहानी भी आपने दोस्तों जरूर पढ़ी होगी, इसमें मुख्य पात्र थे यशोधर बाबू, जिन पर जिनके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव किसका रहता है, किशनदा का। किशनदा इसमें एक अन्य पात्र रहते हैं किशनदा, और किशनदा ये भी पुराने जमाने के आदमी, यशोधर बाबू खुद पुराने जमाने के आदमी,
तो यशोधर बाबू के जीवन पर या व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो रहता है वो किशन दा का रहता है। किशन दा एक अन्य पात्र है उसमें, ठीक है। और इस कहानी में क्या दिखाया गया है, तो इसमें दो पीढ़ियों के अंतर को स्पष्ट किया गया है, जहां एक और यशोधर बाबू है जो मतलब पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, और एक उनके बीवी और बच्चे जो कि मॉडर्न जमाने के हैं। तो इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है वो स्पष्ट इस कहानी में दिखाया गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी में। अब जो यशोधर बाबू थे वो पुराने आदर्शों से जुड़े हुए थे, जबकि जो उनके बच्चे थे वो नई पीढ़ी के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते थे। तो इस प्रकार से वहां पे अंतर स्पष्ट दिखाया गया है दो पीढ़ियों में। तो काफी अच्छी स्टोरी थी, जरूर आपने पढ़ी होगी। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन थे, तो वो थे यशोधर बाबू। अगर पुरस्कारों की बात करें तो 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके उपन्यास क्या आपके लिए, और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये है मनोहर श्याम जोशी जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को हुआ था भानुपुरा नगर मध्य प्रदेश में, और हाल ही में दोस्तों इनका निधन भी हो चुका है। अब इनका निधन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2021 को इनका निधन भी हो चुका है। तो ये भी आपको नोट करना है, 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी जी का भी निधन हो चुका है। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले उपन्यास, आपका बंटी उपन्यास कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपका बंटी उपन्यास किसका है, तो मन्नू भंडारी जी का है। ये इनका प्रथम उपन्यास था, आपका बंटी प्रथम उपन्यास था मन्नू भंडारी जी का। उसके बाद अब देखो जो आपका बंटी है इसमें विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहा एक बच्चा उसके बारे में बताया गया है, जो कि विवाह विच्छेद की त्रासदी में एक छोटा सा बच्चा उसमें पिस रहा होता है, वो किस प्रकार से वहां पे उसकी व्यथा यहाँ पे बताई गई है इस उपन्यास में। महाभोज काफी प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। तो राजनीति स्वार्थ से संबंधित ये एक उपन्यास है जिस पर इन्होंने राजनीति पर प्रकाश डाला है, किस प्रकार से राजनीति में स्वार्थ होता है, तो उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है महाभोज उपन्यास के माध्यम से। और एक इंच मुस्कान, तो ये तीनों उपन्यास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इंच मुस्कान इसमें क्या दिखाया गया है, तो पढ़े लिखे या जो आधुनिकता है उन लोगों की दुख भरी प्रेम गाथा इसमें दिखाई गई है एक इंच मुस्कान में। तो ये तीन प्रसिद्ध उपन्यास हैं मन्नू भंडारी जी के। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो तीन निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब महत्वपूर्ण है, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, त्रिशंकु, विदूषक महत्वपूर्ण है, और नायक खलनायक, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं मन्नू भंडारी जी की। आत्मकथा की बात करें तो एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा किसकी है, तो मन्नू भंडारी जी की है। नाटक की बात करें तो बिना दीवारों के घर और रजनी दर्पण, ये मन्नू भंडारी जी के क्या है, नाटक है। अब दोस्तों पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, तो 2008 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है एक कहानी यह भी जो इनकी आत्मकथा है, उसके लिए 2008 में व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी दोस्तों मन्नू भंडारी जी की प्रसिद्ध रचनाएं। और यहाँ पे लगभग हिंदी साहित्य में जितने भी साहित्यकार थे, तीन वीडियो मैंने यहाँ पे आपके लाई, लेक्चर 24वां, 25वां और 26वां लेक्चर, आज 26वां लेक्चर था ये। तो तीन लेक्चर में मैंने आपको हिंदी साहित्य आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके पद्य पोर्शन में है, जो गद्य पोर्शन में है, वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और जितनी भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी और पुरस्कार उनको जिस रचना के लिए मिले हैं वो सारे के सारे हमने इसमें कंप्लीट किए। इतना डिटेल दोस्तों आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके नोट्स आपको प्रॉपर रूप से तीनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे आप जाइए और वहां पे zardariclasses.in वेबसाइट खुलेगी, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं zardariclasses.in, वहां पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।